A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. यहाँ हमें प्रूफ करना है ये और ये टुगेदर इक्वल है इसके और इसके. तो आप जानते हैं कि अगर सर्कल से दो टेंजेंट्स इस तरह से अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट करते हैं तो वो इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब है कि डी आर विल बी इक्वल टू डी एस, दिस विल बी इक्वल टू दिस. इसी तरह से ये तीनों भी तीन इक्वेशन इसके लिए भी मिल जाते हैं क्योंकि सेम कंडीशन है. अब इन चारों इक्वेशंस को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद हम लोग लिख देते हैं तो राइट हैंड साइड पे सारे प्लस हो जाएंगे. तो प्लस करने के बाद अभी आप हम लोग रीग्रुपिंग करते हैं. रीग्रुपिंग करेंगे इसको और इसको, मींस डीएस और एसए को हम लोग रीग्रुपिंग करके एक साथ लिख सकते हैं एडी. इसी तरह से बाकी चारों लाइंस के लिए भी लिख सकते हैं. तब हमारा ए डी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्रूफ हो जाता है. इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर जीरो एंड अनदर टेंजेंट ए बी. ये वाला टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यहाँ पे सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है. इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए यहाँ पे एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी यहाँ पे. प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये एंगल 90 डिग्री है. प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ सी तक हम लोग एक टेम्प्ररी लाइन खींच देते हैं. और अब आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग पी ओ ए एक ट्राइंगल बन रहा है, पी ओ ए, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए ओ सी. ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है. जैसे देखिए ये जो ओ सी है, ओ सी और ओ पी दोनों ही रेडियस है, और ओ ए जो है एक कॉमन साइड है दोनों में. एंड अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम ये एक्सटर्नल पॉइंट ए पर मीट कर रहा है पी वाई वाई और सी वाई या सी ए. तो इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो जाता है. तो ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों रेडियस होने की वजह से इक्वल होता है एंड ये कॉमन साइड है. तो एस 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 से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्करेंट होता है. और उसी तरह से सेम एस 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 के टर्म से ये दोनों ट्रायंगल जो नीचे है ओ क्यू बी और ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है. तो इस तरह से आप अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा. एंड फर्दर ये क्या होता है कि ये जो पी ओ क्यू है स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. तो इसकी एंगल जो है ये इस तरफ लिखिए या इस साइड दूसरे साइड लिखिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री का. तो 180 डिग्री में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल ए ओ सी, दिस एंगल ये एंगल प्लस ये एंगल एंड ये एंगल प्लस ये एंगल इज दिस होल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर एंगल है. हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये पूरा लीनियर एंगल हो जाता है एक. तो ये 180 डिग्री है. अगेन वी कैन राइट ये इस एंगल को पी ओ ए एंगल को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ सी, बिकॉज बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. देयर फोर टू एंगल ए ओ सी एंड इसी तरह से टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि वही 180 हम लोग लिख रहे हैं. बट इस एंगल को हम लोग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो दिस एंगल बिकम्स ट्वाइस
and similarly this angle also becomes twice. Therefore, twice of this and twice of this is equal to 180 degree, and we will take 2 as common. Therefore, 2 this angle AOC plus COB is equal to 180 degree, और 2 को हम लोग transposition से right hand side ले आते हैं तो ये angle 90 degree proof हो जाता है. Prove that the angle between the two tangents, यहाँ पे tangent CA 2 है, drawn from an external point P है to a circle is supplementary. This is supplementary. Supplementary angle होता है जब दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ए ओ और बी ओ जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जॉइन कर रहे हैं. तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होगा. तो बाई थियोरम हम लोग जानते हैं कि दिस विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और एक ये क्वाड्रिलैटरल बनता है ए पी बी ओ. दिस इज़ अ क्वाड्रिलैटरल. देयरफॉर अ क्वाड्रिलैटरल का सम होता है इंटरनल एंगल का 360 डिग्री. 360 डिग्री से माइनस 90 एंड 90 करेंगे तो 180 बच जाएगा. इसलिए ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. देयरफॉर दे आर द एंगल सबटेंडेड बाई दिस टू टेंजेंट्स आर सप्लीमेंट. और हम लोगों को प्रूफ करना है कि इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है, जो कि इसको सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स टच कर रहा है चारों तरफ से, वो जो है एक रॉम्बस बनता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि रॉम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं. तो हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि चारों साइड्स इक्वल है, यानी एडजेसेंट साइड्स ये और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है. तो सबसे पहले तो हम लोग ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कुछ लिख नाम दे देते हैं. सपोज़ ये पी क्यू आर एस है, आर एंड एस है. तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम 10.2 यू नो दैट ए क्यू जो है वो ए पी के बराबर होगा, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये दोनों साइड इक्वल होगा. तो इसको हम लोग इक्वेशन में लिख लेते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, और इसी तरह से चारों के लिए लिख लेते हैं, चारों कॉर्नर्स के लिए मीन्स ये टेंजेंट्स के लिए, ये दोनों भी इक्वल होगा, और इस तरह से सारा. जब हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ए क्यू और क्यू बी ये और डी एस और एस सी ये चारों एक ही साइड आए, और बाकी ये दोनों मीन्स ए पी पी डी एंड बी आर आर सी ये सारे दूसरे साइड आए. सो दैट हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी. तो हमारा ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी, एंड डी एस प्लस सी एस इज इक्वल टू हो जाता है सी डी. नाउ एज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइड के इक्वल है, तो हम लोग ए बी प्लस सी डी को ए सी डी का वैल्यू हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये 2AB हो जाएगा. एंड उसी तरह से बी सी का वैल्यू हम ए डी में भी पुट कर सकते हैं, तो 2BC हो जाएगा. देन ए बी 2AB विल बी इक्वल टू 2BC. इनफैक्ट तो इसमें हम लोग 2 कट कर देंगे, तो ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये साइड इक्वल हो जाएगा ये साइड का, और ये तब चारों साइड इक्वल हो जाता है, तो फिर ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक रॉम्बस है. अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D is D say are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. ये साइड निकालना है, ये साइड निकालना है. अभी टेंजेंट्स थ्योरम से पता है कि अगर हम लोग यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स ये 8 cm हो जाएगा. एंड सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन सिमिलर हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएगा. बट यहाँ इसका वैल्यू नहीं दिया है. सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ई एंड एफ.
ABCDEF. Now this tangent, according to tangent theorems, these two lines must be equal. Therefore हम लोग इसको कुछ ले लेते हैं. Suppose we take it as x. अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री बनाएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा बिकॉज ये रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो कि परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो रेडियस. और आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ से अगर हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया इस लाइन को, तो ये वाला ट्रायंगल ओ ई सी, दिस ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, दैट इज ओ सी डी. एंड इन बोथ द ट्रायंगल्स वी हैव बेस एंड हाइट बोथ. तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ इजीली दीज टू ट्रायंगल्स. किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम टू टाइम्स करेंगे तो ये इसका एरिया निकल जाएगा. एंड उसी तरह हम इसका भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं और इस तरह से. तो तीनों ट्रायंगल का एक बार हमने एरिया निकाला राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरी से और उसको टू टाइम्स कर दिया, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है. बट अगेन एरिया इज़ नॉट गिवन. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू एरिया में आपको एक्स का एक्स आएगा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है. एक्स का वैल्यू यहाँ से इसलिए नहीं निकल सकता, इसलिए हम लोग एक और थ्योरी यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग ए सी बी या ए बी सी जो ट्रायंगल है, इट इज़ अ स्केलिन ट्रायंगल. देयरफॉर वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल विच इज़ फॉर विच वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर फर्स्ट, जिसमें कि हमको सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक्स एंड एक्स. तो हम लोग सेमी पेरीमीटर इसका निकाल लेते हैं और स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मूले से इसका एरिया और एक बार निकाल लेते हैं. तो दिस एरिया विच हैज़ बीन फाउंड बाय स्केलिन ट्रायंगल थ्योरी विल शुड बी इक्वल टू राइट, जैसे भी हमने पहले राइट एंगल थ्योरी से जो निकाला है एरिया, दोनों इक्वल होना चाहिए. तो अब हम लोग इसको इक्वलाइज कर देते हैं और एक्स का वैल्यू निकाल. प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है और उसका ऑपोजिट साइड्स हो जाता है सी डी एंड ए बी, मीन्स ये साइड एंड ये साइड, मीन्स ये दोनों मिलके जो सेंटर पे एंगल बना रहा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मीन्स इसका सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए. एंड सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल का भी सम 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट्री. तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम यूज़ करने के लिए ये इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं सारे रेडियस को, विच विल बी 90 मेक अ 90 डिग्री हेयर एंड दिस विल बी इक्वल. तो यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस. अभी हमने डायग्राम में पूरा नाम दे दिया एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम लोगों को प्रूफ करना है सी ओ डी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो टेंजेंट थ्योरम से आपको पता है कि हम लोग इसको और इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. टेंजेंट थ्योरम से दिस साइड इज़ कॉमन एंड दिस टू आर रेडियस. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 8. इसका मतलब है एंगल 8 को हम लोग एंगल 1 भी लिख सकते हैं, यानी टू टाइम्स एंगल 1 लिख सकते हैं ये. और इसी तरह से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंड ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा. एंड इस तरह से हम लोग सारे एंगल्स को टू टाइम्स लिख सकते हैं. देयरफॉर फाइनली वी गेट व्हाट, टू टाइम्स 1 प्लस 2 एंड टू टाइम्स 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. वाई 360 डिग्री, बिकॉज एट ओ ये एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ऊपर 180 डिग्री एंड नीचे का 180 डिग्री बिकम्स 360 डिग्री.
तो टू हम लोग कॉमन ले लेते हैं एंड वी ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, तो 360 कट के 180 बच जाता है। सिमिलरली हम लोग दूसरे एंगल्स के लिए यानी 3, 4 एंड 7, 8 को भी इसी तरह से इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूफ। जस्ट हम लोग को इतना करना है कि हम लोग 8 को 1 लिखने की बजाय 1 एंगल 1 को 8 लिखेंगे, तो 2 टाइम्स 8 आएगा, 2 टाइम्स 4 आएगा एंड 2 टाइम्स 6 आएगा, आई मीन 2 टाइम्स 8 7, 8 आएगा एंड 2 टाइम्स 3, 4 आएगा। तो दिस विल प्रूफ द अदर टू एंगल्स ऑल्सो सब।